हाँ तो घुमाने कौन लेके जाएगा, तेरा बाप। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ एंड 12 बज रहे हैं आज। बहुत लेट उठा हूँ भाई, बहुत लेट। काम इतने सारे थे, रह गए, फटाफट करने पड़ेंगे भाई। भाई उठते ही सबसे पहले तुम लोग पता मैं क्या करता हूँ, ये अपना आंवला रस है ये पियेंगे। इतना ही भाई, अभी ओट्स अपने रेडी है और ये एक पार्सल आया था अमेजोन का, इसे लेके जा रहा हूँ मैं ऊपर दादू वाले फ्लोर पे। एंड अपना भाई ब्रेकफास्ट वहीं बैठ के करेंगे, बाकी खाना भी बनाएंगे अभी। अभी जस्ट छत पे आया था कि एक स्टोरी डालने एंड मैं देख रहा हूँ भाई मेरे बाल सुबह सो के उठ के भी सेट है भाई, लाइफ सेट है, बाल भी सेट है। चलो दादू टेंशन हो रही थी, iPhone 13 ढूंढ गया भाई दादू, ये रहा उसके ऊपर डाला आया था, इसलिए फिर ऐसी चीजें मत डाल, शौक लगता है। मम्मी भी कितने हैरान हो गए थे ये सुनकर। रेडी है ये अपने एग्स हो गए, अपने ओट्स एंड वे प्रोटीन। अपने घर पे नए ब्लोअर की टेस्टिंग हो रही है और भैया लेके आए हैं, ले लो। अब बता दो कौन सा लिया जाएगा, गरम हुआ दे रहा है। हाँ गरम तो देगा, हाँ दे रहा है भाई, दे रहा है गरम तो देगा धीरे। कोट है ना, नीचे पजामा नहीं जा रहा। पापा आज संडे है। हाँ तो घुमाने कौन लेके जाएगा, तेरा बाप। घुमा मेरा, घुमाने कौन लेके जाएगा, मेरा बाप। ऑब्वियसली बात है तेरा बाप। मेरा बाप नहीं ले जा रहा, ये बैठा। तेरी माँ ले जाएगी, तेरी माँ। ले चलो, संडे है। संडे, संडे को तो कर्फ्यू होता है। पुलिस वालों के साथ घूम के आए। ओए वो तो जेल में ले जाएगी घुमाने। अभी खा रहे अपनी मील, 400 ग्राम दही और ये ही मेरी मील, इसे खा जाऊं मैं। भारत का संविधान लिखा गया था, आप भी कुछ लिखो। लिखो? हाँ कुछ करो, बताओ कुछ लिखो, इस घर के लिए लिखो। इस घर के लिए मैं तो शायर भी नहीं हूँ। पोएट, पोएट, पोएट। कुछ हो जाए फरमाइश, मंत्री जी कुछ फरमाएंगे, इंस्पेक्टर साहब बताएंगे। पापा अभी बताओ क्या हुआ था। मैं होता तो मैं बताया नहीं, सैटरडे को जिस दिन मैं बाहर निकला था, जिस दिन आया था, फ्राइडे को आया था, नहीं सैटरडे को ही आया था, सैटरडे को आया था। हाँ, और उसी दिन मैं फिर जिम जा रहा था ना, तो मैं गाड़ी लेके निकला था, पुलिस वालों ने धर लिया था मेरे को कि तेरे पे वो नहीं है कर्फ्यू पास। हाँ, वो तो भाई पकड़ लिया था। फिर मैंने बोला ऐसे थोड़ा मनाया, पापा भी नहीं है, पापा BFF में, पापा अगरतला है, छोड़ दो प्लीज सर, ये वो, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो आप ही का बच्चा हूँ। फिर उन्हें छोड़ दिया। अगर मेरे पास फोन आता ना तो भी मैं तेरे को छुड़ाने नहीं आता, ना मैं उनको फोन करता, मैंने तेरे को पहले ही बता दिया है। समझ ना, इनडिसिप्लिन में मैं तेरे को छुड़ाने नहीं आऊंगा। धर लेना भाई लोगों, दिल्ली पुलिस वाले अगर ये इनडिसिप्लिन करता मिले ना, बिल्कुल मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं, ले जाना अपने साथ। अच्छा। समझाना डिसिप्लिन क्या होता है। ठीक है, बट अब तो छोड़ देते ना, क्या हमारे भाई का ही छोरा है। अभी जस्ट अपना मैंने प्री वर्कआउट शेक पिया है एंड अब जा रहे हैं एक्सरसाइज करने जिम। आज चेस्ट वर्कआउट, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें थोड़ा आज चेस्ट वर्कआउट दिखा दूँ। बड़ा टाइम हो गया, पहले दादू से मिलते देखते क्या। दादू तो हो गए नाराज कि मैंने iPhone 13 स्टोलन वीडियो क्यों डाली। अब मैं ठीक बिल्कुल हो रहा है, मतलब उसका कोई खास मीनिंग नहीं है ना, उसको मिल नहीं रहा है। और दादू लोग पूछ रहे थे आप फिर दो जगह बैठते हो, या तो यहाँ या वीडियो में या उस कमरे में बैठे हो, दो और कहीं क्यों नहीं दिखते। मैं कहीं जाता ही नहीं, आई डोंट गो एनीवेयर, है दो जगह। यहाँ मैं शाम को बैठता हूँ और वहाँ मैं सारा दिन रहता हूँ बेडरूम के अंदर। यहाँ मैं यहाँ शाम की जाम होती है। हाँ मैं शाम की जाम से नहीं, मैं पिछले वहाँ से आती है, वहाँ से 20 साल से बैठा हूँ। भाई दादू क्यों ड्रिंक करते हैं, जो लोग पूछ रहे थे क्योंकि भाई दादू आर्मी में थे, जंग लड़ी है दादू ने 1971 की, ऐसी बातचीत नहीं करना। एक वो कोई अभिशाप नहीं है, इट इज अ मैंडेटरी, एक हेल्थ रिक्वायरमेंट होती है। हम ऐसे ऐसे क्लाइडेट के अंदर सर्विस करते हैं जहाँ 18,000 फीट के ऊपर बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ अगर तुम ये नहीं खाओगे तो क्या करोगे, बॉडी को गर्म रखना है। वहाँ रम पिलाई जाती है, ब्रांडी पिलाई जाती है, जबरदस्ती पिलाई जाती है। और जब आपने पहली बार ड्रिंक करी थी, दिमाग खराब हो गया, तो मुझे मालूम था ड्रिंक कैसे की जाती है। मैं नया नया कॉलेज में मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, कभी स्मोक नहीं की। जब मैं शुरू में यूनिट में गया तो वो वहाँ थोड़ा सा वो करते हैं मजाक वगैरह करते हैं, तो वो वेटर बन का एक अफसर ही था, उसने मुझे इतना गिलास आधे से ज़्यादा भराया था विस्की का। हाँ सर, मैंने ले लिया। अब मुझे तो पता नहीं था कैसी पी जाती थी वो, उसके बाद कहना सर सोडा या पानी में, कहीं कुछ नहीं, मैंने रख लिया गिलास से खा कर।
जब मैंने उस गिलास को पिया और जो मेरा वो सिर घूमया है उसके बाद में फिर मेरे से यही नहीं पता लगा, खाना नहीं खाया मुझे तो आकर मेरे टेंट में छोड़ के मैं ताकत सो। अरे मेरे तो पता है ड्रिंक कैसे करते हैं, फिर का मतलब मैंने तो सीख लिया ड्रिंक कैसे करते हैं। तो तू तो वो सुला सुला उसमें तो टेस्ट कर गया, वो ड्रिंक थोड़ी होता है। ये शादी की तैयारी करनी है जल्दी भाई, अब तो पाजी उम्र निकल गई, अब तो 35 के हो गए, अब नहीं होगी, अब पड़ जाएगा 35 साल के हो गए। आज से चेस्ट वर्कआउट है, सबसे पहले एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं इंक्लाइन बेंच, एंड ये जो वर्कआउट है ना भाई बिगनर भी कर सकते हैं एंड इंटरमीडिएट है मेरे जैसे वो भी कर सकते हैं। पहले एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच एंड हाई रेपिटेशन, थोड़ा वेट अब मॉडरेट ही रखा हुआ है, रेप्स है 25, 20, 15, 10। कैमरामैन हरप्रीत सिंह के साथ एलन चौधरी को नंगा हुआ होते हुए देख लो, भाई का यही काम है जल्दी नंगा होना, फटाफट नंगा हो, एक सेट में देखो क्या हाल हो गया। 25 एलन हॉर्न दिख रहे हैं भाई, चीटिंग करी इसने, 25 रैप नहीं मारे भाई, दिखा कुछ रहा और कर कुछ रहा है, चीटिंग कर रहा है सही में। ये लो साडा वीर फिर नंगा हो गया, चल केबल से पहले फ्लाई जाएगा फिर उसमें प्रेस जाएगा 20-20 रैप मारेगा 5-6, 20 दिखाता है भाई ये। चल ये निकल गया इसका सुसु, दिखेगा नहीं डाइपर पाया हुआ है। वर्कआउट तो हो गया कंप्लीट एंड अभी डलवाना है पेट्रोल। मैंने भाई अपनी वेस्पा में परसों पेट्रोल डलवाया था रात में 200 रुपये का, कल एक बार जिम गया हूँ, आज वापस रिजर्व पे लग गई यार, ये पेट्रोल पता नहीं कहाँ पी रही है, ये कहाँ पी रही है पेट्रोल समझ ही नहीं आ रहा, गलती होगी। ओ भाई देख लो आज दिल्ली में भाई भयंकर वाला मौसम है, एकदम धुंध पड़ रही है, जीरो विजिबिलिटी होगी आज भाई रात में, 10:30 बजे ही नहीं दिख रहा भाई। लैब ऑन मी गोइंग ऑल द वे फॉर द रेकॉर्ड एंड ट्राइंग लाइक नो टाइम भाई, आज वीडियो जो एंड ना मैं भाई स्कूटी पे नहीं करूंगा, मेरा अवतार देख रहे हो कितना स्मार्ट लग रहा हूं, उल्टा सीधा ये मेरे सीरियल के बीच में आके तुम यार कुछ सीरियस बात है यार, अच्छा बोल सीरियस बात यार, पहले बोलो हाँ क्यों ऐसे थोड़े बोल दूंगी किसी भी चीज के लिए, हाँ बोलो कुत्ता चाहिए, कुत्ता तो खुद एक कुत्ता है, एक कुत्ते को दूसरा कुत्ता कभी पसंद नहीं आता, गाना हो गया क्या यार, तो तूने कहा कुत्ता चाहिए तो एक कुत्ता है, बस कुत्ते को दूसरे को दोस्त नहीं आता, लड़ाई होगी यार दोनों कुत्तों की, कैसे चलेगा यार। नया नया हेयर कट करवाया देख लो, बड़ा अच्छा लग रहा हूँ ना, तो भाई जितनी भी सुंदर लड़कियां जिनको मैं पसंद आ रहा हूँ हेयर स्टाइल में फटाफट से मेरे टेक्स्ट कर दो। हेलो भाई, एक कुत्ते और सुअर की दोस्ती देखी है, हेयर कट हो गया देख लो, एंड भाई अभी जा रहे हैं एंडिंग करने, अभी ढूंढ रहे जगह जहाँ से घर वाले कोई नहीं उठे, तो एंडिंग तो क्योंकि भाई जबरदस्त करनी आई भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पता है किसके नाम पे लाइक करना है।